नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिख धर्म की। सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिनका 2019 में हम 550वां प्रकाश पर यानी जन्मदिन मना चुके हैं। श्री गुरु नानक देव जी के बाद उनके शिष्य भाई लहना जी, जिनको श्री गुरु नानक देव ने अपने अंग लगाकर अंगद देव जी बनाया, उनके बच्चे चाहते थे, उनकी पत्नी भी चाहती थी कि उनके बड़े बेटे को गद्दी पे बिठाया जाए, मगर गुरु साहब ने अपने शिष्य को ही इस काबिल समझा कि उसको उनको गद्दी पे बिठाया जाए। इस तरह परंपरा चलती रही, एक के बाद एक गुरु करते करते नौवें गुरु तक बात आई। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब पे रहते थे, जो कि पंजाब में स्थित है। कुछ काश्मीरी ब्राह्मणों ने बहुत दुखी थे, उनको जो है अमरनाथ में 6 महीने तपस्या करते रहे, क्योंकि उस टाइम जो है औरंगजेब है सुन्नी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वो हिंदुओं की लड़कियों को खराब कर रहा था और जो है हिंदुओं को जबरदस्ती जो है अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहा था। बेचारे बहुत दुखी थे, क्योंकि एक हमेशा से एक रसूल रहा है कि कहीं भी कोई चीज की शुरुआत की जाती है तो हमेशा पढ़े लिखे लोगों से शुरुआत की जाती है, कि पढ़े लिखे लोग जो है उस चीज को करेंगे तो उनको देखा देखी अनपढ़ लोग भी उस पे पीछे चलेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोग पढ़े लिखे थे। और एक उन लोगों का फंडा था कि हम लोग कश्मीर से लेकर शुरुआत करेंगे, इस तरह पूरे हिंदुस्तान को जो है एक साम्राज्य में, उनके साम्राज्य में ढालेंगे। तो उन लोगों को बहुत प्रताड़ना दी जाती थी, तो वो लोग काफी कश्मीरी ब्राह्मण बहुत दुखी थे। 6 महीने अमरनाथ में तपस्या करने के बाद भी उनको कुछ भी हल नहीं मिला, तो फिर उनको किसी ने कहा, कुछ कथाकार कहते हैं कि वहाँ पे भविष्यवाणी हुई, कुछ कथाकार कहते हैं कि वहाँ पे बर्फ पे लिख कर आया कि तुम लोग आनंदपुर साहब जाओ, वहाँ पे संत महात्मा जो है गुरु जो है वो आपकी मदद करेंगे। अब ये तो तथ्यों का किसी को मालूम नहीं, इतिहासकार अपना लिखते हैं। बहरहाल ये लोग जो है फटे हाल, गंदे कपड़े, पैरों हाथों में जो है चोटें लगी, होंठ फटे, गुरु साहब के पास में आए कि गुरु साहब ऐसे ऐसे हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के साथ में इस तरह से जो है हम लोग को यातनाएं दी जा रही है। कहा जाता है औरंगजेब उस टाइम रोज जो है 1.25 मन जिन्हें उतारता था और उसको जलाकर फिर खाना खाता था। गुरु साहब ने पहले अपने शिष्यों से कहा, जाएं इनको जो है भोजन वगैरह का इनका इंतजाम कराएं और इनको सुंदर वस्त्र पहनाए गए। गुरु ने कहा कि जाओ कह दो गुरु औरंगजेब से कि हम जो है अगर हमारे गुरु अगर आपका धर्म कबूल करते हैं तो हम लोग भी मतलब आपका धर्म कबूल कर लेंगे। तब जो 9 वर्षीय गुरु ने कहा कि गुरु महाराज, पिता महाराज, आपसे बड़ा महात्मा और संत इस धर्म में कौन है? तो 9 वर्षीय श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब को प्रेरणा दी कि वो जाएं और अपनी शहीदी दें। इस तरह श्री गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली आए और वहां उनको बहुत यातनाएं दी गई और उनको चांदी चौक जो है कोतवाली के अंदर रखा गया। उनके साथ में उनके शिष्य थे मतीदास जी, दयाला जी, भाई दयाला जी और भी शिष्य थे। उनको बहुत यातनाएं देकर किसी को आरे से चीरा गया, काटा गया, किसी को जो चरखड़ी पे रुई लपेट कर जो है जलाया गया, अलग तरीके से यातनाएं दी गई ताकि जो है गुरु साहब विचलित होके हमारा धर्म कबूल कर ले। मगर गुरु साहब ने कहा, अगर मुझे ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जो है आपका धर्म कबूल करवाना होता या बनाना होता तो मुझे उसी घर में, उसी धर्म में पैदा करते। बहरहाल बहुत यातनाओं के बाद में गुरु साहब जी को चांदनी चौक जो है अब जो जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा उपस्थित है वहाँ गुरु साहब को जो है शीश धड़ से अलग किया गया। उसके बाद 9 वर्षीय बालक गोविंद सिंह जो राय थे पहले, उनको जो है वो गद्दी में तो पिता बिठा गए थे, फिर उन्होंने सेना तैयार की कि वो समझ गए थे कि 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज से उनकी शहीदी, उनको शहीद किया गया था, तो ये चलता आ रहा था परंपरा। अब वो समझ गए थे कि अब जो है तलवार उठाने की जरूरत है। तब उन्होंने 1699 में आनंदपुर साहब में जो है सिख पंथ, खालसा पंथ की स्थापना की। इतिहास गवाह है, हर लड़ाई जर जमीन जोरू के लिए लड़ी गई है, मगर गुरु गोविंद सिंह जी के पास क्या नहीं था, राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने जो है ये लड़ाई धन के लिए, देश के लिए लड़ी और अपने चारों बेटे जो है देश के नाम, कौम के नाम शहीद किए। अपनी माता जी उनकी
भी शहीद हुई, उनके पिताजी शहीद हुए, बहुत सारे सिंह शहीद हुए, तो ये मतलब सर्वस्त दानी, सब कुछ पूरा परिवार निछावर करने वाले ऐसे गुरु को जो है हम सच्चर प्रणाम करते हैं। माता जी ने उनसे पूछा कि मेरे लाल कहाँ है, तब गुरु ने फरमाया था सिखों की तरफ हाथ करते हुए, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। और आप क्या जानते हैं, जब गुरु साहब ने जो है बैसाखी के दिन 1699 में आनंदपुर साहब में तलवार, नंगी तलवार जनता के बीच लहराकर बोली सभा में कि कोई है जो अपना के सर दे सके, तो उसमें से कोई जाट दिल्ली के कि हाँ गुरुजी हमारा शीश हाजिर है, मगर गुरु ने उनको एक तंबू में ले गए और वहां पर जो है एक के बाद एक ऐसे पांच लोग उठे। कुछ मिनट बाद गुरुजी ने उनको सुंदर वस्त्रों से सुशोभित शस्त्र धारण करके जो है बाहर लाए और वो उनको पंज प्यारे का नाम दिया, जो कि आप लोग देखते हैं जब नगर कीर्तन निकलता है तो उसमें पीले वस्त्र धारण किए हुए, नंगे पांव, हाथ में कृपाण पकड़े हुए जो पांच लोग चलते हैं वो पंज प्यारे होते हैं। वो गुरु ने जो है उनको पंज प्यारे सजाया था। और आप जानते हैं ऐसे गुरु पहले हुए हैं जिन्होंने जो है पहले अपने शिष्यों को जो है पंज प्यारों को अमृत छकाया, फिर उनसे अमृत पिया। तो कहा जाता है वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, मतलब ऐसा गुरु जो है जो अपना चेला भी है और गुरु भी है। जब दो साहबजादे बड़े शहीद हुए चमकौर की जंग में, उसके बाद दो छोटे साहबजादे जो है नीहों में चुनवाए गए, उसके बाद गुरु आते आते जो है माछीवाड़े के जंगलों से होते हुए जो है गुरु साहब नांदेड़ आए, वहां पे एक उनका शिष्य बन के एक पठान उनकी सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद उसने जब विश्वास जीता, उन्होंने गुरुजी के पेट में खंजर भोंका और गुरुजी समझ चुके थे कि अब हमारा समय आ गया है, तब उन्होंने वहां पे जो है शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी के को जो है 11वें गुरु का रूप देकर जो है उनको वहां पे सुशोभित किया गया। नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है और वहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने सांसों की अंतिम पूंजी जो है वहाँ समाप्त की और इस तरह वो संसार से विदा हुए। जब लोगों ने कहा गुरु साहब आप चले जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, तब गुरु साहब ने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ पर हाजिर नाजिर हूँ, मतलब मैं हजूर साहब में हमेशा रहूंगा। तो आज भी अगर आप जाएं, अगर आप गुरु वाले हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ गुरु साहब हर वक्त जो है हाजिर नाजिर हैं। आज इतना ही, अगली बात शेष अगले भाग में। धन्यवाद।